मेरा नाम बटुक महाराज सरकार में YouTube में नया चैनल है मेरा, बहुत पुराना नई चैनल नया है। और लोलारक कुंड एक ऐसा कुंड है जहाँ संतान, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, ये प्राचीन कुंड है, महाभारत से चला रहा है। और इसका नहान है 21 तारीख सितंबर 2023 आ गया है। और 5 तारीख को ललरी छठ मनाया जाता है, जिसे कहा जाता है ललरी छठ आ जाता है, उसके बाद लोलारक कुंड का नहान चालू, ललरी छठ के बाद लोलारक कुंड का नहान चालू। तो उसमें होता है कि आप लोग बहुत लोग दूर से आते हैं, नहा नहीं पाते उस समय, उसमें नहा नहीं पाते, बरती थी कुछ समझ नहीं पाते, बोलते हैं कि भगवान हमको कुछ दिया नहीं। मन में विश्वास श्रद्धा होना चाहिए कि मुझे भगवान देगा, सबको देता है तो आपको भी दे देगा, ऐसे सभी को मिला यहाँ पे। तो इसको चलता हूँ, ले चलता हूँ, बाबा के दर्शन कराऊँगा, लोलारक कुंड के बारे में बता दूँगा। आप ध्यान से व्रत और तिथि मना दीजिएगा, व्रत होता है इसका, रविवार का व्रत होना होता है, रविवार व्रत रहिए, दार बाड़ी नहीं बनाना, दाढ़ी और बार नहीं बनाना आदमी को, दूध का चीज़ नहीं खाना है, फल फूल सब खा सकते हैं, चाय भी नींबू का पी सकते हैं, दूध का नहीं, उस पर नमक नहीं होना चाय में, ये बरका दीजिएगा। शाम के सूर्यास्त के समय बाद गुड़ रोटी खा लीजिए, उसके बाद सोमवार को जो करना करें, पर रविवार रविवार बरका दीजिए, प्रभु की कृपा बरसा देंगे, लोलारक बाबा को दे देंगे। और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट में मुझे जरूर पूछिएगा, मेरा घर लोलारक कुंड बगले में रहता है, जो भी पूछे मैं बता दूंगा आपको। तो चलिए कुंड देख लीजिए बाबा दर्शन। ओम नमगन कुशुवर्धनमुर्वारवंदनामितोरुमुक्षीयवामेतात श्रीलोलारकेश्वर महादेवाय नमः। ईश्वर भगवान का संतान के लिए, कुछ के दोस्तों सबके लिए, ये लोलारक कुंड बाबा है, एकदम इन्हीं का पूरा दर्शन किया जाता, कुंड इन्हीं के, ये देखिए नहान के लिए जा रहा, ये नहान का संकल्प होगा, इनका नहान का संकल्प होगा, नहान का संकल्प होगा, फिर उसके बाद नहाएगा। ये है लोलारक कुंड मंदिर जहाँ संतान के लिए ललरी छठ आ गया, 5 तारीख 9 महीना 2023 सितंबर में ललरी छठ को भीड़ हो जाता है नहान का। ये पूरा लोलारक कुंड दिख रही, जिसको संतान मिल जाता है मुंडन कराने आता है, हलवा पूड़ी बना के चढ़ाता है बाबा से, फिर अपने मानता को उतारता है बार चढ़वा कर। और अभी तो ललरी छठ के बाद तो नहान दम लगातार चालू हो जाएगा, ललरी छठ 5 तारीख से लगातार, क्योंकि 21 तारीख को पड़ा रहता है नहान। लोलारक कुंड देख लिए, मेन गेट दरवाजा है पूरा, देख ली लोलारक, अब नीचे ले जाता बाबा का दर्शन करा दो, कुंड का भी दर्शन, यही कुंड है जो चमत्कारी कुंड है। बहुत यूट्यूबर आएंगे, बहुत लोग आएंगे, गलत बताएंगे क्या बताएंगे, अब आपको जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा, निश्चित आपको संतान प्राप्ति होगा 100%। व्रत करिए, रविवार का व्रत करिए, सूर्य भगवान को जल्दी से लाल रोटी डालकर, आदमी को दाढ़ी बार नहीं बनाना रविवार के दिन, और व्रत में फल फूल सब खाइए, दूध का चीज कुछ सेवन नहीं करना है, नहीं खाना है दूध का चीज। शाम के समय रोटी ले लीजिए, दूध रोटी, गुड़ रोटी खा लीजिए, यही बहुत बड़ा महत्व है यहाँ का, क्योंकि हमारा घर कुंड के बगल में लोलार, क्योंकि मेरा ड्यूटी ही लगा रहता है मंदिर में, बहुत देखने का, पूरा संकल्प कराने का, जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे निश्चित आपको संतान मिलेगा। अंदर विश्वास होने, आत्मा विश्वास भी होना चाहिए, जल में इतनी चमत्कार, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपको फल मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ नहान हो गया, रोज नहान हो रहा, अभी अब ललरी छठ आ रहा है, 5 तारीख को ललरी छठ है, देख रही नहान का कपड़ा, ललरी छठ आ रहा है 5 सितंबर को है, अब वहाँ से नहान चालू हो जाता है 21 तारीख को, सबसे बड़ा नहाता है, ये मंदिर का रास्ता है, देखिए कपड़ा, देखिए नहान हुआ अभी, लड़की औरत में नहाइए बच्चा के लिए, बहुत बड़ा दिव्य मंदिर है। जो आपको मैं उपाय बताऊं उसको फॉलो करिए, आपको नीचे संतान, ललरी छठ आ ही गया 5 तारीख को है सितंबर को, आके नहा लीजिए, जिसको नहान में मेला में नहीं नहा पाता है, व्रत नहीं समझ पाते हैं क्या चढ़ाना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, जो फल छोड़ा जाता है उसको जिंदगी भर त्याग देना, खाना नहीं आपको फल को,
इस फल का महत्व है, जैसे भतुआ हुआ, लौकी हुआ, कौड़ा, बहुत लोग इसे चाहते हैं। श्रृंगार का सामान देखिए, कोई भी जो दुल्हन में आएगा श्रृंगार का सामान उसमें डलवा लीजिएगा, सासुई भतुआ हो, जो फल लेना हो, लाल कपड़ा में लपेट कर सात बार उसको अपने सिर से उतार के गोद में रख लीजिए, गोदी में रख लीजिएगा, सात बार उल्टा उतार के उसमें कुछ पैसा भी रख के गट्टी वट्टी मार के सात बार उतार के नहान के समय एक डुबकिया मरवाते हैं, और जिस और समय आएंगे तो पांच डुबकिया मार के पीछे नहीं ताका जाए, लोलार जिस दिन नहाएंगे उस दिन पीछे नहीं ताकेंगे, धीरे से निकल जाएगी। और जो व्रत बता रहे उसको फॉलो करिएगा, रविवार का व्रत रख लीजिएगा, आदमी को दाढ़ी बार मना कर दीजिएगा, नहीं बनाएंगे और दिन बनाएंगे, रविवार को बनाना, दूध का चीनी खाना, फल फूल खा लीजिएगा, चाय भी पीजिएगा तो काला चाय पी लीजिएगा, उसमें नमक ना हो बस, दूध ना हो बस, और शाम के समय सूर्यास्त के समय रोटी गुड़ खा लीजिएगा, बस इतना पालन करिए। सबसे बड़ा अंदर विश्वास रख लीजिए, मानता जो भी आए, बहुत दूर दूर से लोग लाइन लग के नहाते हैं, उसमें पंचायती ये भी सब करते रहे, भगवान के ध्यान दिए, लो लार्केश्वर सूर्य आदित्य है, ये भास्कर आए, कब को क्या देते हैं किसी को नहीं पता, हमें मिला है इसलिए बता रहा हूँ, मेरा घर बगल में इसलिए, लेकिन लो लार कुंड का नहान का सब कुंड है, लो लार कुंड बहुत बड़ा है, देख लीजिए इधर का भी दिखा रहा हूँ, आगे का पार्ट दिखा दिए, पीछे का पूरा पार्ट है, इधर से निकालने ले जाया जाता, इधर से निकाल के इधर बाहर कर दिया जाता, नहान का पूरा बाहर, पूरा इधर से बाहर कर दिया जाएगा सबको नहान करके।